सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय की तैयारी यहाँ पे पूरी आपको मिलेगी। देखिए, ये आपका 2024 का नया संस्करण का पवन सीरीज है और इसको इसके एक एक प्रश्न को मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। और इससे पहले जो आपका राजन सीरीज 2024 संस्करण है, जो एक सीरीज और आपकी आती है, राजन सीरीज और पवन सीरीज, ये दोनों सीरीज सभी सब्जेक्ट्स ही हमारे चैनल पे सॉल्व करा दी गई है थर्ड सेमेस्टर की और फर्स्ट सेमेस्टर की। देखिए, अब ये आपका इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं, आपके इससे शुरू करने वाले हैं। बल्कि पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को मैं कराऊंगा, फिर अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय, ठीक है। जिस क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम में मैं आपको ये पूरा सीरीज सॉल्व करा दूंगा। और इसी तरीके से मैंने मैथ का सॉल्व करा दिया है, राजन और पवन सीरीज, ठीक है, और बाकी रेनू मैम ने सॉल्व करा दिया है। तो जल्दी से जुड़ते हैं, तैयारी को अपने आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं, यहाँ पे जो आपके इस पवन सीरीज में दिए गए हैं उसको आपको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है इस तरीके से, ताकि आप एक एक प्रश्न को देखते हुए चले और सभी ऑप्शंस को समझते हुए एलिमिनेट करते हुए अपने सही उत्तर तक आप पहुंचे, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको ये पूरा सीरीज पढ़ने को मिलेगा। जुड़ जाइए सभी लोग और शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों में, सभी ग्रुपों में, जिससे सभी लोग जुड़ करके लाभ उठा पाए, ठीक। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए। लाइक और शेयर वाला काम आप लोग करते रहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे पहले प्रश्न के तरफ। देखिए, संचार की प्रक्रिया के मूल तत्व हैं। संचार क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। संचार में क्या होता है? कोई एक सूचना होती है जो किसी माध्यम से किसी के द्वारा भेजी जाती है और किसी के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये होता है आपका संचार, ठीक है। जैसे मैं आपको कंप्यूटर विषय जो है वह पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपनी बातों को, जो सूचना है, जो ज्ञान है, उसको आप तक पहुंचा रहा हूं। किस माध्यम से? YouTube के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, ठीक है। तो इस तरीके से अब तो इसके मूल तत्व क्या होते हैं संचार के? सूचना, इंफॉर्मेशन, या ज्ञान, नॉलेज। तो बिल्कुल सूचना और स्रोत, जिससे, जिस स्रोत के द्वारा आपको मिल रहा है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं। और प्रसारण एवं प्राप्ति, ठीक है, और प्रसारण और प्राप्ति भी होना चाहिए। जब वीडियो अवेलेबल रहेगी, क्लास अवेलेबल रहेगी, तभी तो आप देखेंगे उसका प्रसारण जब होता रहेगा। और जब आप ग्रहण करना चाहोगे, पढ़ना चाहोगे, तो तभी तो पढ़ पाओगे। तो यहाँ पे ये सभी जितने आपको दिख रहे हैं, सूचना भी होना चाहिए, स्रोत भी होना चाहिए और प्रसारण एवं प्राप्ति भी होना चाहिए। ये सभी मूल तत्व हैं, ये सभी बेसिक्स हैं, ठीक है। इतना तो होना ही चाहिए संचार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दा जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या दो है, आईसीटी का पूरा नाम है। आईसीटी पूरा होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। ऑप्शन सा में आपको दिया गया है, ठीक है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना, कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, ठीक है, या संप्रेषण, कई जगह हिंदी में आपको मिलेगा, तो यहाँ संप्रेषण भी होता तो सही होता। और टेक्नोलॉजी की जगह आपको मिल जाता है प्रौद्योगिकी या तकनीकी भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की जगह संप्रेषण या संचार, और टेक्नोलॉजी की जगह हिंदी में प्रौद्योगिकी या तकनीकी, ठीक है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सा, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। अब इसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या तीन है, नेटस्केप नेविगेटर। तो ये आपका क्या है? वेब ब्राउजर है, नेट साइट है, हार्डवेयर है या चैटिंग है? तो नेटस्केप नेविगेटर, नेविगेटर का मतलब क्या होता है? जिसके मदद से आप कुछ नेविगेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, दिशा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है
ये आपका ये एक सॉफ्टवेयर है जो वेब ब्राउजर का काम करता है। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जो हो जाएगा वेब ब्राउजर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एड्यूसैट किस वर्ष एक कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। ये एड्यूसैट है, एड्यू सैट, ठीक है, यहां जहां आई लिखा है वहां यू होगा, ये सही कर लीजिएगा आप। एड्यू सैट का मतलब होता है, एड्यू का मतलब एजुकेशनल और सैट का मतलब सैटेलाइट। एजुकेशनल सैटेलाइट इसको बोला गया क्योंकि इस सैटेलाइट का छोड़ने का एक ही पर्पस था कि लोगों तक जो शिक्षा के कार्यक्रम है वह पहुंचाए जाए। और इसको सबसे पहले उपग्रह का मतलब क्या होता है, सैटेलाइट, और ये 2004 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन सा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 2023 में पूछे हुए प्रश्न है, यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे हुए प्रश्न और जो पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए प्रश्न क्या 5 है, निम्नलिखित में स्टोरेज यूनिट है। स्टोरेज यूनिट का काम क्या होता है, जो भी आपका डेटा होता है, ठीक है, जो भी जैसे आपने कंप्यूटर को डेटा दिया, इनपुट देते हैं आप कंप्यूटर को, प्रोसेस होके आपका क्या एक इंफॉर्मेशन के रूप में, एक फाइल के रूप में सेव होता है। कहाँ सेव होता है, मेमोरी में सेव होता है, स्टोरेज में सेव होता है। तो निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट क्या है, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये सभी क्या हैं, इन सभी में डेटा को स्टोर किया जा सकता है, तो ये सभी स्टोरेज यूनिट हैं। तो ऑप्शन दाज हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, देखिए आईसीटी, आपके सिलेबस में ज्यादा आईसीटी का ही, आईसीटी के विषय से ही जुड़ी सारी चीजें हैं। तो 3 चैप्टर तो आपके शुरू के आईसीटी के ही हैं। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व हैं सूचना एवं परीक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार। तो देखिए सूचना और परीक्षण ये प्रौद्योगिकी का भाग है, संचार एवं तकनीकी ये भी जो है आपका आईसीटी का भाग है, और सूचना एवं संचार ये सभी जो हैं, पूछ रहा है आईसीटी शब्द के मुख्य तत्व हैं, तो ये सभी मुख्य तत्व हैं। ये तीनों ही जो आपके मुख्य तत्व हैं, आपको सूचना देखने को मिल रहा है, संचार, तकनीकी, सूचना, संचार, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब आपका सभी जो है वह इससे जुड़े मुख्य शब्द हैं। तो ऑप्शन दाज हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन हैं, मतलब किन किन माध्यमों से, किन किन साधनों से आईसीटी का काम किया जाता है। तो इंटरनेट के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, किस माध्यम से करते हैं, तो हम इस इंटरनेट के माध्यम से करते हैं। जैसा कि आप अभी क्लास ले रहे हैं, मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं, ठीक। इसके बाद देखिए दूरदर्शन के माध्यम से, तो बिल्कुल दूरदर्शन के माध्यम से आप देखेंगे कई सारे शैक्षिक कार्यक्रम, कई सारे शैक्षिक चैनल्स जो हैं वह दूरदर्शन के माध्यम से, दूरदर्शन पे आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आईसीटी का साधन हो जाएगा। और रेडियो जो है, रेडियो के माध्यम से भी अगर आप देखते हैं कई सारे शैक्षिक कार्यक्रम जो हैं वह रेडियो के माध्यम से भी चलाए जाते हैं, और कई सारे सूचना एवं प्रसारण के काम रेडियो के माध्यम से किए जाते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन डा आप देख रहे हैं, ये सभी जो है वह आईसीटी के साधन है, ऑप्शन डा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, इंटरनेट क्या क्या कार्य करता है, किन किन सुविधाओं को आपको प्रदान करता है। तो आज के समय में आप देखिए आपकी जो पढ़ाई हो गई, आपकी शॉपिंग, जो लेन देन हो गया, ठीक, और आपका किसी को पत्र भेजना, तो उसे बोल देते हैं मेल करना, जीमेल करना, ठीक। तो ये हो गया, तो आपकी पढ़ाई, खरीदारी, आपका संदेश भेजना, आपको किसी से कॉल करना है, ठीक है, बातचीत करनी है डायरेक्ट,
या फिर वीडियो कॉल करना है, तो ये सभी जो है वह आपका इंटरनेट का कार्य हो गया है। ठीक है, प्रमुख सेवाएं जो है इंटरनेट की, तो इंटरनेट रिले चैट, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ईमेल के माध्यम से बातचीत कर रहे हैं, टेलनेट, ये सभी क्या है, ये सभी आपके इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9 है, एड्यूसैट का दूसरा प्रचलित नाम है। तो एड्यूसैट के बारे में आपने पढ़ा कि एड्यूसैट को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो 2004 में। और एड्यूसैट ये तो इसका फेमस नाम है, इसके कार्य के अकॉर्डिंग इसे बुलाया जाने लगा एडुकेशनल सैटेलाइट। लेकिन जो एक सीरीज जो इसरो लॉन्च कर रहा था, उस सीरीज में जो इसका नाम है, उसका नाम है GSAT-3, जियो सैटेलाइट 3, ये इसका नाम है इस सैटेलाइट का। ठीक, और एडुसैट उपनाम था, लेकिन ये ज्यादा फेमस हो गया, तो प्रमुख नाम यही है, प्रचलित नाम यही हो गया एडुसैट। लेकिन जो दूसरा नाम, प्रचलित नाम अब आप बोल रहे हैं, वह है GSAT-3, ऑप्शन आ में दिया गया है। ऑप्शन आ जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, औपचारिक अनौपचारिक उपयुक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दूरदर्शन के माध्यम से आप देखेंगे कि जो आपका सिलेबस है क्लास वाइज, ठीक है, जैसे क्लास 7 का बच्चा है तो वो अगर परिमेय संख्या पढ़ रहा है, ठीक है, तो परिमेय संख्या को देखेंगे आप कि एक टीचर का क्लास इस तरीके से रिकॉर्ड कर लिया गया और दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित कर दिया गया, तो बच्चे ने पढ़ लिया कि हाँ परिमेय संख्या होती क्या है, तो इस तरीके से, या कंप्यूटर का नॉलेज दिया गया, तो इस तरीके से बच्चे को एक स्पेसिफिक क्लास का और एक स्पेसिफिक टॉपिक जो उसका सिलेबस में है वह पढ़ाया गया जब दूरदर्शन के माध्यम से, तो वो हो गया औपचारिक शिक्षा। ठीक है, और उसी दूरदर्शन पे जब बच्चे ने कोई शॉर्ट फिल्म देखी किसी विषय पे, ठीक है, जैसे प्रदूषण के विषय पे उसने देखा, तो उसने सीखा हाँ किस तरीके के प्रदूषण होते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ प्रदूषण, वो अपने जीवन से रिलेट कर पाया। ठीक है, वो जो देखता है रोज आते जाते सड़कों पे कचरा फैला रहता है, जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, जो हॉर्न से ज्यादा आवाज होता है, जो नाले का पानी कहीं नदी में गिर रहा है, तो ये सब जो है ये बच्चा अनौपचारिक शिक्षा भी सीख रहा है। ठीक है, और लोगों फिल्म में बच्चा देख रहा है कि एक दूसरे से लोग कैसे बातचीत कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, तो ये सब कैसे व्यवहार जो बच्चा सीख रहा है वो क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा है। तो दोनों ही आप देखेंगे कि दूरदर्शन के माध्यम से दोनों तरीके की शिक्षा बच्चा प्राप्त कर रहा है। तो ऑप्शन द जो द नहीं, यहाँ पे सा होगा, उपयुक्त दोनों, ये दोनों आ व बा। ठीक, तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, रेडियो संचार का कैसा साधन है, रेडियो संचार का कैसा साधन है, दृश्य है, श्रव्य है, आ बा दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। रेडियो, देखिए रेडियो जब चलता है तो क्या रेडियो में आप कुछ दृश्य देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं, तो ये दृश्य साधन नहीं। क्या रेडियो में आप सुन पाते हैं, बिल्कुल, तो ये आपका श्रव्य साधन है। ठीक, तो दृश्य नहीं है, श्रव्य है, तो आ बा दोनों नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, यह श्रव्य साधन है जिसके माध्यम से सुन के जो है वह सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग किन किन माध्यमों से की जाती है। ठीक है, तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग जो है वह टेलीविजन के माध्यम से भी की जा सकती है, और वीडियो टेक्स्ट के माध्यम से भी की जा सकती है, और उपग्रह के भी माध्यम से होती है। ठीक है, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब कई लोग एक साथ जुड़े हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, तो ये किससे हो सकता है, टेलीविजन भी इसमें साधन बन सकता है, और वीडियो टेक्स्ट भी साधन बन सकता है, और उपग्रह भी। तो यहाँ पे ऑप्शन द जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीक के साधन टेलीविजन, वीडियो टेक्स्ट, उपग्रह,
ये सभी हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13 है, उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। उपग्रह सैटेलाइट जो मानवों द्वारा निर्मित छोड़ी जाती हैं, तो इससे क्या क्या संचालित किया जाता है? वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट या उपरोक्त सभी। तो देखिए वीडियो का संचालन, दूरदर्शन का संचालन और इंटरनेट भी जो है वह इसी माध्यम से संचालित किए जाते हैं। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 14 है, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है दूरस्थ शिक्षा में, प्राथमिक शिक्षा में, परंपरागत शिक्षा में या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए उपग्रह का जो प्रयोग किया जाता है वह ज्यादातर जो है सबसे अधिक दूरस्थ शिक्षा में ही किया जाता है, ठीक है, या मुख्य रूप से आप कह सकते हैं कि दूरस्थ, जैसे यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा जिला अलग है, मेरी लोकेशन अलग है भारत में, वैसे ही आप जो है वह पढ़ रहे हो किसी अलग जिले में, या आप उत्तर प्रदेश से बाहर भी हैं तो पढ़ पा रहे हैं, इस क्लास को देख पा रहे हैं, तो ये कैसी शिक्षा है? ये दूरस्थ शिक्षा है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो उपग्रह का प्रयोग है, जो सैटेलाइट का प्रयोग है, वह किस, इंटरनेट के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो इंटरनेट कैसे चल रहा है? या तो आपके मोबाइल के डेटा से चल रहा है सैटेलाइट के माध्यम से, या फिर इंटरनेट जो है वह सैटेलाइट या फिर केबल के माध्यम से चलता है, ठीक। तो इस तरीके से सैटेलाइट के प्रयोग से दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग किया जाता है। और प्राथमिक शिक्षा में देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो इसमें टीचर खुद जो है वह बच्चों को सिखाते हैं, तो प्राथमिक शिक्षा में उपग्रह का प्रयोग नहीं होता है। और परंपरागत चीजों को भी सीखना जो है ये आप अपने परिवार समाज से सीखते हैं ज्यादातर, तो इसलिए इसमें भी उपग्रह का प्रयोग नहीं होता है। और ये इनमें से कोई भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन आ दूरस्थ शिक्षा में ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न संख्या 15 क्या कह रहा है कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, अभिलेखीकरण में या उपयुक्त सभी में। तो देखिए आईसीटी का जो उपयोग है, आप आईसीटी के माध्यम से, जैसे आज बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक, ऑनलाइन कोई परीक्षा कंडक्ट कराई गई, या फिर ओएमआर के माध्यम से जो चेकिंग भी होती है, मूल्यांकन भी होती है, तो परीक्षाओं का मूल्यांकन जो है उसमें आपका आईसीटी जो है वह सहायक है। इसी तरीके से पाठ्यक्रम के निर्माण में देखिए आजकल हर एक चीज में जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उसमें भी हर एक सेक्टर में आपका प्रयोग होता है किसका, आईसीटी का। तो पाठ्यक्रम के निर्माण में भी आईसीटी का प्रयोग होता है, और अभिलेखीकरण में जो डेटा है कि आप किस दिन कितने बच्चे स्कूल आ रहे हैं, ठीक, साल भर में कितने बच्चे स्कूल आए हैं और किस समय कौन सा टेस्ट हुआ है, उस टेस्ट में कितने बच्चों ने स्कोर किया है, अच्छा स्कोर किया है, कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए हैं, ये होता है अभिलेखीकरण, ठीक है। तो विद्यालय से जुड़ा बहुत सारा अभिलेख होता है, तो ये सब क्या है, ये भी आईसीटी के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है। शिक्षण अधिगम में यानी कि शिक्षण का मतलब क्या है, टीचिंग, जो पढ़ा रहे हैं, अधिगम का मतलब क्या है, लर्निंग, तो ठीक है सीखना। तो शिक्षण कार्य और जो अधिगम कार्य है इसमें कंप्यूटर की क्या भूमिका है, शिक्षक के रूप में, सूचनाओं के संग्रह करने में, परीक्षक के रूप में। तो आप देखते हैं कि कंप्यूटर जो है, आप खुद से भी कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर पे जानकारी उपलब्ध होती है, तो कंप्यूटर से आप सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर का जो रोल है वह आपके शिक्षक के रूप में भी, कई बार टीचर का काम शिक्षक जो है, कंप्यूटर जो है वह करता है टीचर का काम। इस तरीके से सूचनाओं के संग्रह करने में, अब आपका कई सारा नोट्स है जो आप अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं, कई सारी फोटोज हैं कंप्यूटर में रख सकते हैं, ठीक है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो कंप्यूटर में रख सकते हैं, तो सूचनाओं को
संग्रह करने के रूप में, इसके बाद देखिए परीक्षक के रूप में, कंप्यूटर के माध्यम से आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, ये आपका परीक्षक के रूप में भी कार्य करता है कंप्यूटर। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा, उपरोक्त सभी कंप्यूटर इन सभी माध्यमों से आपका कार्य करता है, सभी की भूमिका निभाता है, ठीक। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 17 है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं स्मृति अर्थात संग्रह करना, तथ्य प्रक्रियाकरण और सूचना प्रस्तुतिकरण। तो आप देख पा रहे हैं कि शिक्षा में जो कंप्यूटर है वह स्मृति का भी काम करता है और तथ्य प्रक्रियाकरण का भी काम करता है और सूचना प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन का भी काम करता है। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी जो हैं वह कंप्यूटर के कार्य हैं शिक्षा में। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 18 है, संचार संप्रेषण क्या है। देखिए मैंने आपको बताया था कि संचार और संप्रेषण जो है वह एक ही चीज आपको देखने को मिलती है। तो ये देखिए, यह एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। तो संचार देखिए एक प्रबंधकीय प्रक्रिया है, एक प्रबंधन एक मैनेजमेंट के तरीके से, एक मैनेजमेंट होता है, एक तरीका पहले एक सिस्टम सेट होता है, उसके बाद जो है आप यह प्रक्रिया कर पाते हैं, ठीक है। तो संप्रेषण संचार जो है एक प्रबंधकीय जिसका प्रबंधन मैनेजमेंट करना पड़ता है। इसके बाद देखिए, यह एक सतत प्रक्रिया है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो बिल्कुल यह जो संप्रेषण है वह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और यह एक द्विमार्गीय है। तो बिल्कुल द्विमार्गीय है, जैसे अभी आप क्लास के माध्यम से सूचना ले रहे हैं और कमेंट्स के माध्यम से आप बताते हैं कि हाँ आपको क्लास कैसी लगी, कहीं डाउट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने विचार रख पाते हैं। और संचार में क्या होता है, जैसे आप किसी से बातचीत कर रहे हैं कॉल पे, तो वो उधर से कुछ बता रहा है, आप इधर से कुछ बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये एक द्विमार्गी प्रक्रिया हो गया। तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यहाँ पे संचार के विषय में, संप्रेषण के विषय में, ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, आईसीटी किस चीज में सहायक है, शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता वृद्धि में। अब देखिए आईसीटी क्या कर रहा है कि शिक्षण कार्य की कार्यकुशलता अब इसमें वृद्धि कर रहा है। जैसे मैं इस समय आपको पढ़ा रहा हूं, अब यह क्लास जो है आपकी YouTube पे ऐप पे चली जाएगी और आप कभी भी इस क्लास को देख लेंगे और अच्छे ढंग से आपकी पढ़ाई हो जाएगी, ठीक। तो ये कार्य कुशलता में वृद्धि हो गया। नहीं तो क्या होता कि आप अगर क्लास में एब्सेंट हो जाते, जब मैं क्लास ले रहा होता एक स्पेसिफिक जगह, पहले तो आपको आना पड़ता, फिर उसके बाद अगर आप एब्सेंट हो जाते तो आपकी क्लास नहीं हो पाती। तो इस तरीके से ये शिक्षण कार्य कुशलता में, और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो इस तरीके से प्रेजेंटेबल बना देना और बच्चे को और आसानी से सिखाने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये शिक्षण कार्य कुशलता जो है इसमें वृद्धि होती है। जो जो शिक्षक जितने अच्छे से आपको सिखा पा रहा है उसमें वृद्धि हो जाती है आईसीटी की मदद से। इसके बाद देखिए, व्यवहार परिवर्तन लाने में, व्यवहार में परिवर्तन कब आता है, व्यवहार में परिवर्तन कब आता है, जब बच्चा कुछ सीखता है, तो ये क्या हो जाता है आईसीटी के माध्यम से, जब लोग सीखते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो व्यवहार में बिल्कुल परिवर्तन आएगा ही आएगा। इसके बाद देखिए, कक्षा शिक्षण एवं प्रशिक्षण में, तो आईसीटी के माध्यम से आप देख ही पा रहे हैं कक्षा शिक्षण भी हो रहा है, और ये आपका जो आप पढ़ रहे हो ये आप आगे जाकर के पढ़ाने भी वाले हो। आपका डीएलएड क्या है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यह आपका एक समझिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आप ट्रेन हो रहे हो आगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो कक्षा शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों में ही यह कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सभी ऑप्शन सही हैं।
तो ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व क्या है, क्या है यहाँ पे ऑप्शंस में आपको देखना है। शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आईसीटी का शैक्षिक महत्व, बिल्कुल शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में आईसीटी का महत्व होता है। अभी आपने देखा कि जो शिक्षण की कार्य कुशलता होती है उसमें वृद्धि होता है, और अधिगम कार्य में सीखने में भी जो है आईसीटी जो है इसका महत्व है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ बा दोनों यह सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। 1969, 1980, 1971 या इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनेट की जो शुरुआत हुई वह वर्ष 1969 से हुई। ऑप्शन आ यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1969 में टिम बर्नर ली ने इंटरनेट की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संख्या 22 है, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। तो इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं ईमेल, इंटरनेट रिले चैट, टेलनेट, सभी जो हैं वह इंटरनेट की सेवाएं हैं, सभी सर्विसेस हैं इंटरनेट की। ऑप्शन द सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन ई बुक है, वेब पोर्टल है, आबा दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुक्त डिजिटल शैक्षिक संसाधन ऐसे संसाधन जो आप फ्री में एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट के माध्यम से, तो होती हैं आपकी कई सारी ई बुक्स और कई सारे वेब पोर्टल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन आ व बा दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 24 है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं। स्मार्ट कक्षाओं के लाभ, रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालयी हलचल से छुटकारा, यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा। स्मार्ट कक्षाएं, जैसे ये क्लास आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक आप देख रहे हैं ये डिजिटल बोर्ड लगा है, ये एक स्क्रीन लगी है और इसके माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हो। यहाँ पे कोई भी दृश्य मैं आपको दिखा सकता हूँ, मतलब ऐसा हम यहाँ पे इन्वायरमेंट बना सकते हैं कि आप कुछ भी देख समझ बहुत आसानी से सकते हैं। तो इसी स्मार्ट क्लासेस की बात यहाँ पे की जा रही है कि इसके लाभ क्या है। तो ये रोज गार परक शिक्षा, देखिए प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक आपको नहीं होगा तब तक आप इंडस्ट्री में या कोई रोजगार, खुद से स्किल्ड वाली जो शिक्षा होती है, जैसे कोई भी काम, जैसे छोटे मोटे काम, सिलाई बुनाई कढ़ाई से लेकर के कान जो आपका लकड़ी का काम होता है, बिजली का काम होता है, ये सब काम जो है ये आपके प्रैक्टिकल काम है। ठीक है, घर बनाने से रिलेटेड काम, ठीक, तो ये सब क्या हो गए, ये रोजगार परक जो है शिक्षा आपकी कही जाती है। ठीक है, तो कोई भी स्किल आप सीख रहे हो, कंप्यूटर के विषय में सीख रहे हो, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो, तो कंप्यूटर चलाना क्या है, एक स्किल है। ठीक, तो इस तरीके से ये रोजगार परक शिक्षा आपको मिलती है इस तरीके से। और इसके बाद देखिए विद्यालयी हलचल से छुटकारा, जब स्मार्ट क्लास इस तरीके से चलती है तो इंटरेस्ट बनता है, जैसे आप इंटरेस्ट लेकर के पढ़ रहे हो वैसे जब स्मार्ट क्लास ऑफलाइन चलता है, बच्चे सामने बैठे होते हैं तो वो इंटरेस्ट लेते हैं, तो इससे क्या होता है, विद्यालयी हलचल जो बच्चे शोर करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उससे थोड़ा छुटकारा मिल जाता है। इसके बाद देखिए यौन रोग गर्भ निरोध जैसी समस्याओं से छुटकारा, कैसे, देखिए छुटकारा मिलेगा बचाव से, और बचाव कैसे होता है, अवेयरनेस से, जानकारी से। जब बच्चों को जानकारी रहेगी तो वो इन सब चीजों के बारे में जान पाएंगे और रोगों से बच पाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये तीनों ही जो है स्मार्ट कक्षा के लाभ हैं, तो ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न संख्या 25 है, ओवरहेड प्रोजेक्टर उपयोगी है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में। बिल्कुल, आप देखते हैं कि इस तरीके से क्लास में बीच में एक प्रोजेक्टर रहता है जो बोर्ड पे फ्लैश करता है, पर्दे पे फ्लैश करता है,
जिससे क्या है, जानकारी दिखती है इसी तरीके से जैसे आपका स्मार्ट बोर्ड होता है। तो ये जो होता है संपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने में, क्योंकि सब लोग ध्यान से देखने लगते हैं। और इसके बाद देखिए, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है। बिल्कुल, अब हर एक चीज जो है, जैसे पेन से या तो शिक्षक अक्षर बना लेंगे या कुछ समय लेकर के कुछ चित्र बना लेंगे छोटा मोटा, लेकिन प्रोजेक्टर के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से क्या होता है कि जो चित्र होते हैं उनको लगातार, जैसे वीडियो को दिखा दिया, तो ये सब घटनाओं को दिखा दिया, दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है। बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करने में सहायक होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन द आपका प्रयोग सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 26 है, दूरदर्शन के कार्यक्रम बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कार्यक्रम की समयावधि। तो बिल्कुल, कोई भी कार्यक्रम आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसका समय जो होता है बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्यों? उसी हिसाब से उस कार्यक्रम को चलाया जाएगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से उसको जगह मिलती है। तो ये कार्यक्रम की समय अवधि कितने समय का है बहुत आवश्यक है। कार्यक्रमों के उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, किसी काम को आप जब कर रहे हो, जब तक आपका उसका उद्देश्य तय नहीं है तब तक उस कार्य को आप अच्छे ढंग से कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो क्या क्या उद्देश्य है ये बहुत आवश्यक है। और श्रोताओं का शैक्षिक स्तर, ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है कि स्तर को भी ध्यान में रखा जाए। अब कक्षा 4 का कोई बच्चा है, उसको कक्षा 10 के विषय में, स्तर का विषय, अब कक्षा 4 के में जो गणित का स्तर है वह आप कक्षा 10 के स्तर से अगर पढ़ाने लगेंगे बच्चों को, तो वो मिसमैच होगा, वो गैप होगा, क्योंकि बच्चा अभी पिछले कॉन्सेप्ट को सीखा नहीं है। तो इस तरीके से श्रोताओं का स्तर क्या है उसके अकॉर्डिंग भी कार्यक्रम को डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे तीनों ही सही है, तीनों ही चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, तो ऑप्शन द यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में अध्यापकों को आवश्यक है कि वे ध्यान रखें पाठों की रूपरेखा, अनुवर्ती क्रियाकलाप, पठनीय सुझाव। तो दूरदर्शन द्वारा शिक्षा में जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं वो पाठों की रूपरेखा भी उनको देना है बच्चों को, और अनुवर्ती जो क्रियाकलाप, एक के बाद दूसरे जो क्रियाकलाप आने वाले हैं वह भी बच्चों को बताना है, और पठनीय सुझाव किस तरीके से बच्चों को पढ़ाई करना है उसके बारे में भी शिक्षक को सुझाव देना है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन द जो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28 है, एड्यूसैट किस वर्ष कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया। तो ये प्रश्न हमने पहले ही देखा कि 2004 में एड्यूसैट को स्थापित किया गया, एड्यूसैट या GSAT 3, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, व्यवहारिक जगत में टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के कितने रूप देखने को मिलते हैं। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग आप देखिए कि आपको 3 तरीके का मिलता है, ऑप्शन द जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, एड्यूसैट का दूसरा प्रचलित नाम, तो ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, GSAT 3 जो है वह एड्यूसैट का दूसरा प्रचलित नाम है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं। शैक्षिक का मतलब क्या होता है, एडुकेशनल, और दूरदर्शन को टेलीविजन भी बोल दिया जाता है, TV, तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं ETV, ठीक। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ETV, एजुकेशनल टेलीविजन। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 32 है, भारत में प्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो भारत में प्रथम रेडियो का उद्घाटन जो किया गया था वह 23 जुलाई 1927 को किया गया था, ऑप्शन बा जो है इसमें सही डेट दिया गया है, 23 जुलाई 1927 को IBC के द्वारा किया गया था, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, ठीक है। इससे पहले भी प्राइवेट रूप से किया गया था, ठीक है, बॉम्बे में 1923 में ही किया गया था, लेकिन जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है
वह सही यही है, आईपीसी के द्वारा 23 जुलाई 1927 को किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक आपने सभी प्रश्नों के उत्तर सही सही देख लिए, सभी प्रश्नों को समझ लिया, सभी ऑप्शंस को भी देख लिया, और इस तरीके से आपने बहुत अच्छे ढंग से सभी प्रश्नों को जब समझा तो आपको चीजें समझ में आ गई, रटना नहीं पड़ा, और आप इसी तरीके से एग्जाम में भी सभी बहुविकल्पी को, पांचों बहुविकल्पी को सही करके आओगे। ठीक है, आधा बहुविकल्पी आपका यहाँ पे समाप्त होता है, इसके बाद आधा बचता है जो नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, और आपके बहुविकल्पी प्रश्न जो है वह समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो यहां तक आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा सभी क्वेश्चंस, और इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर लिखिए, और अगर सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं तो यस लिख करके कमेंट जरूर करिए, यस लिख करके आपको वाई यस, बस यस लिख देना है, और इससे मुझे मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको क्लास समझ में आई होगी, क्लास अच्छी लगी होगी, शेयर करिएगा सभी ग्रुपों में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। इसी तरीके से सभी विषय के राजन पवन सीरीज सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, तो जरूर से जरूर अपने तैयारी को इसी तरीके से आप लगे रहिए, करते रहिए, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और नीचे ऐप का भी लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आप कम समय में बेहतर ढंग से तैयारी कर पाएंगे। कहीं कोई डाउट हो नंबर दिया गया है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।